इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। थिन फिल्म्स में इंटरफेरेंस, तो पहले डिस्कस करते हैं थिन फिल्म्स क्या होती हैं। जैसा कि आपने देखा होता है कि जब वाटर सरफेस पर अगर ऑयल ड्रॉप गिर जाए तो उसकी एक लेयर बन जाती है, उसी को बोलते हैं हम थिन फिल्म, पतली फिल्म, और वो आपको कलरफुल दिखाई देती है। उसका कलरफुल दिखाई देना ही इंटरफेरेंस के रीजन से होता है। तो थिन फिल्म्स टू टाइप्स की होती हैं, यूनिफॉर्म थिन फिल्म्स और वेज सेफ थिन फिल्म्स। यूनिफॉर्म जिनकी मोटाई या थिकनेस सेम होती है, और वेज सेफ जिसकी जो थिकनेस होती है वो थीटा पर डिपेंड करती है। ऐसा मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस टी है। ये इसकी अपर सरफेस है और ये इसकी लोअर सरफेस है। इसका एक एग्जाम्पल और भी होता है, आपने देखा होगा जो सोप का जो बबल बनता है, यानी कि साबुन के घोल का जो बबल बनता है वो कलरफुल दिखाई देता है, वो भी इंटरफेरेंस के रीजन से ही दिखाई देता है, और उसकी जो फिल्म होती है उसको हम थिन फिल्म ही कहते हैं। तो देखते हैं उसमें इंटरफेरेंस कैसा होता है। ऐसा मान लेते हैं ये कोई थिन फिल्म है जिसकी थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब इस थिन फिल्म पर अगर कोई लाइट रेज आकर के इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है। दोनों ही हमेशा होते हैं, लेकिन कई बार रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है और कई बार ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है। उसके लोअर सरफेस पर भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा और ट्रांसमिशन भी होगा। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं और ये दोनों ट्रांसमिटेड रेज हैं, और इन दोनों के लिए ही हम इंटरफेरेंस पैटर्न की फ्रिंजिस की स्टडी करेंगे। पहले करेंगे यूनिफॉर्म थिन फिल्म के लिए, और उसके बाद में करेंगे नॉन यूनिफॉर्म या वेज सेफ थिन फिल्म के लिए। लेकिन आपको याद रखना है इंटरफेरेंस ओनली थिन फिल्म में ही होता है। अगर फिल्म थिक है, यानी कि मोटाई कुछ ज़्यादा है, तब वहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं बनता, क्योंकि जब फिल्म थिक होती है तो उस टाइम पर क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न बहुत पास पास बनते हैं, और ब्राइट फ्रिंजिस और डार्क फ्रिंजिस एक दूसरे को ओवरलेप करती हैं, इसलिए हमको इंटेंसिटी सेम दिखाई देती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इंटरफेरेंस ओनली थिन फिल्म में होता है, और इसी के लिए हम स्टडी करते हैं, जैसे वाटर के ऊपर ऑयल की लेयर, या फिर अगर बात करते हैं सोप का बबल, ये दोनों का कलरफुल दिखाई देना ही इंटरफेरेंस होता है। तो यहाँ पर पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट रेज से इंटरफेरेंस, उसके बाद में डिस्कस करेंगे ट्रांसमिटेड लाइट रेज से इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ पर भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है और यहाँ पर भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है और कई बार ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है, ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे डेरिवेशन ऑफ द थिन फिल्म इन यूनिफॉर्म थिन फिल्म के लिए, उसके बाद में डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म थिन फिल्म के लिए। थैंक यू।